जनगण का मन में हम बोकारो स्टील सिटी, जो स्टील नगरी के नाम से जानी जाती है, वहाँ आज मौजूद हैं, जहाँ हम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बोकारो के जो मतदाता हैं वो क्या कुछ अपने मन में लेकर मतदान केंद्रों तक जाएंगे। आपको क्या लगता है कि बोकारो में क्या क्या मुद्दे यहाँ पर हावी रहे? यहाँ पे तो सबसे बड़ा मुद्दा है चास पुल। चास पुल आज 5 साल से बन रहा है, लोग आते हैं, नेता लोग कहते हैं कि हम बना देंगे। बिहार सरकार कहेगा कि हमारा ही है, झारखंड सरकार कहता है कि मेरा नहीं है, NH कहता है, यहाँ के विधायक जी भी कहते हैं कि हो जाए, पानी की सुविधा नहीं है, रोड नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस खुलने चाहिए और बहुत स्कूल्स ही हैं लेकिन कॉलेजेस नहीं है, कॉलेजेस की बहुत कमी है, बच्चे इधर उधर घूमते हैं, गरीबों की शिक्षा नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। जितना भी मतदाता है सभी के मन में यही है कि कोई अच्छा नेता को चुने ताकि मेरा बोकारो विधानसभा या पूरा झारखंड में विकास हो। सबसे बड़ी जो समस्या है विकास की समस्या है और सभी जितने भी पार्टी है सब विकास के नाम पर अपना वोट बैंकिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जातीयता कोई विकास, मगर यहाँ पे विकास नहीं हुआ। आज 15 साल हो गया है झारखंड को अलग हुए हुए, फिर भी विकास के नाम पर ठगा जा रहा। कहीं ना कहीं बोकारो का विकास नहीं हुआ या 14 साल में झारखंड का विकास नहीं हो पाया, इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी हैं और यहाँ की जनता भी है जो सवाल नहीं करती है। जनता के पास जब नेताजी आते हैं वोट मांगने तो जनता अपने सवाल को मुस्तैदी के साथ रखती नहीं। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये तमाम जो बड़े मुद्दे हैं ये चुनाव में मुद्दे नहीं हैं। कैमरामैन नंद कुमार के साथ बोकारो से राजेश राज, DD News के लिए।